नमस्कार। देखिए आज हम हमको एक नंबर से बताएंगे इस गप से। देखिए इधर से बताएं तो शॉर्ट आंसर मतलब ये क्वेश्चन सब पूछता ही नहीं। देख लीजिए आप, शॉर्ट आंसर एमपी बोर्ड एक बार पूछ दिया था, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तो पूछता ही नहीं है। पूछता कहाँ से आपको, इसमें से पूछता है। आपको एग्जाम में भी दीजिएगा तो इसमें से पूछेगा। हम लोग भी एग्जाम दिए हुए थे तो आपको इसमें से पूछा हुआ था, समझे। एक क्वेश्चन आया हुआ था एकदम बहुत आसान, तो आप बनाइएगा इसी का तो आपको अच्छा रहेगा, समझे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका, हम फर्स्ट नंबर से बता रहे हैं आपको। आपको बनाना यही है, इसको आप छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। इसलिए हम आपको ये पढ़ा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाए ये पता है ना, क्योंकि हम इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आएगा आपको 12th में, समझे। 12th में थोड़ा क्वेश्चन के बारे में भी सोचिए, एग्जाम के बारे में भी सोचिए, समझे। मेन मोटिव वो रखिए। चलिए थोड़ा हम समझा देते हैं आपको, रुकिए। अंतर क्या है दोनों में वो हम आपको समझा देंगे। पहले क्या होता था कि पहले हम इशू करते थे शेयर, जैसे कि मेरा बोट कंपनी है, मेरा नहीं है भाई, जिसका भी है वो अपना एक शेयर का दाम रख दिया 100 रुपया है, तो उस तरह से 10 शेयर देता था तो 1,000 रुपया आ जाता था बैंक में, इस हिसाब से था, समझे। एक बार में ही पैसा दे देता था, मतलब जो हम शेयर खरीदेंगे तो हम एक बार में कंपनी को पैसा दे देते थे 10 रुपया या 100 रुपया। अब क्या किए, मेरे पास जो है ना 100 रुपया अभी नहीं है, बोला बोट कंपनी वाला कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा शेयर खरीदे लेकिन इंस्टॉलमेंट, आप समझते हैं ना, इंस्टॉलमेंट। आप गाड़ी भी खरीदते होंगे तो इंस्टॉलमेंट में एक बार पैसा नहीं देते हैं, धीरे 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 महीना 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 में पैसा हम देते हैं, उसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट में। तो 100 रुपया को क्या किया बोट वाला, बोला कि आप 2 रुपया, 100 रुपया के 10 रुपया रखिए, आप एक शेयर का दाम है 10 रुपया मान लीजिए, तो 2 रुपया, फिर बोला आप 4 रुपया दे दीजिए, 6 रुपया हो गया, फिर 2 रुपया दे दीजिए, 8 रुपया फिर दे दीजिए आप 2 रुपया। अब तो आप दे सकते हैं क्या, एक बार हम नहीं मांगे 10 रुपया आपके पास, नहीं ये पहले दे दीजिए 2 रुपया, उसके बाद जो होगा मतलब एक टाइम में, लिमिट टाइम में 1 महीना बाद आप 4 रुपया दे दीजिएगा, फिर 2 रुपया दे दीजिएगा, फिर 2 रुपया दे दीजिएगा, आप 10 रुपया हमको मिल जाएगा, लेकिन मेरा शेयर खरीद लीजिए। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट में। तो उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, समझे बात, उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। देखिए अब आपको समझिए यहाँ तक। पहला है क्या, मीनाक्षी लिमिटेड है कंपनी, 12,000 शेयर इशू किया, कितना शेयर इशू किया 12,000, जिसका दाम है 10 रुपया, प्रत्येक का दाम 10 रुपया है, जिसमें से 2 रुपया अप्लीकेशन पे मिला, 4 रुपया अलॉटमेंट में मिला, 4 रुपया जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला, ऑल अमाउंट ऑन ड्यूली रिसीव्ड। देखिए इसका जनरल एंट्री बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान जनरल एंट्री सबका, बहुत ही आसान। देखिए आपको हम वही समझाने की कोशिश कर, एक समझिएगा पूरा, आपको 1 मिनट में बन जाएगा। देखिए अप्लीकेशन, देखिए अपने आप को बोट कंपनी समझिए, हम अप्लीकेशन दिए, बोले क्या जब हम 12,000 शेयर इशू करेंगे, हम बोले 12,000 शेयर मेरे पास है हम देंगे लोग को, ऐसे समझिए, तो ठीक है दीजिएगा आप। अप्लीकेशन मतलब कि अप्लीकेशन हम फर्स्ट मान लीजिए, आप ऐसे समझिए जैसे गाड़ी का किस्त भरते हैं, तो पहला महीना में है पता है ना, तो हम समझ लीजिए पहला महीना का अप्लीकेशन मान लीजिए कि अप्लीकेशन पे आपको हम कितना रुपया चार्ज करेंगे, 2 रुपया समझे, एक शेयर का दाम उस हिसाब से 12,000 शेयर है, 12,000 का शेयर का दाम 12 दिन 24,000 रुपये अप्लीकेशन पे। चलिए अप्लीकेशन के बाद क्या आएगा आपको, अलॉटमेंट पे मान लीजिए, दूसरा महीना अलॉटमेंट पे मान लीजिए, ऐसा है नहीं मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, अलॉटमेंट पे आपको हम 4 रुपये, एक शेयर का दाम 4 रुपये देंगे हम, तो 12,000 शेयर हम इशू किए थे, 12 × 48,000। फिर आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा क्या, जो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अंतिम बार हम बोलेंगे भाई ऐसा ऐसा बात है मेरा पैसा दे दीजिए, समझे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना का है, वो भी 4 रुपये का है। एक बार आप पैसा नहीं दे पाए तो क्या हो गया, हम इस इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा ले लेंगे, गाड़ी भी खरीदते हैं तो एक बार पैसा नहीं दे पाता इसका मतलब गाड़ी नहीं देता है, देता है ना, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, आपको 12 × 48,000 हो जाएगा, समझे। इंट्री देखिए आप, आपको ये आप समझिए, इंट्री देखिए आप, पहला शेयर हम इशू किए थे, पहला शेयर हम इशू किए थे कितने रुपये का, 2 रुपये का पेएबल, 24,000 रुपये। देखिए एक शेयर का दाम था 12,000 रुपया, हम 12,000 शेयर हम इशू किए थे, जिसका अप्लीकेशन पे कितना रुपया था, 2 रुपया, कितना रुपया हमको प्राप्त होगा, 24,000 रुपया प्राप्त होगा इस दिन में, पहले पहले दिन हमको 24,000 रुपया मिले। पूरा कितना मिलना चाहिए आपको, देखिए पूरा मिलना चाहिए 12,000 है, 10 रुपया के दर से
1,20,000 रुपया हमको मिलना चाहिए था, जिसमें से 24,000 रुपया हम अप्लीकेशन पर ले लिए। देखिए बात, अब 1,20,000 मिलना था जिसमें 24,000 हमको मिल गया। देखिए मिलता है मेरे अकाउंट में, क्या हो जाए, एसेट बढ़ जाता है, एसेट बढ़ जाता है, डेबिट करते तू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। समझे, अब किस चीज़ से मिला, अप्लीकेशन से हमको 24,000 मिल गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस दिन मिल गया, अब हम दिखाएंगे क्या कि आपको ये जो हमारा अप्लीकेशन का अमाउंट है वो हर अप्लीकेशन का हो, अप्लीकेशन का हो, अलॉटमेंट का हो, या फर्स्ट या फाइनल कॉल का अमाउंट आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे, आपको हम एंट्री बताते हैं कि एंट्री ये हम बता दिखा देते हैं आपको, वो रट लीजिए, सिर्फ देख लीजिए, आपको ये समझ लीजिए। देखिए कि शेयर अप्लीकेशन मनी जैसे हमको मिला, मिला ना यहाँ पे 4 रुपये दर से 24,000 रुपया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। इसमें 8 एंट्री होगा, 8 8 ही एंट्री होगा, कितना होगा, 8 8 8 8। इस शेयर अप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, आपको कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर अप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए आपको अथी है, क्या नाम है, क्रेडिट है, तो इसको डेबिट कर देंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट, समझे, ये क्रेडिट है, डेबिट है इसका, आपको एंट्री खत्म हो गया। देखिए फिर आपको अलॉटमेंट में हमको पैसा, पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में पैसा हमको नहीं मिला, जब मिलेगा हम एंट्री कर देंगे। देखिए आपको, देखिए इंस्टॉलमेंट में, देखिए आप क्या करते हैं, गाड़ी खरीदने ले जाते हैं, आप तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो एक एक मतलब एजेंसी वाला की तरफ से सोचिए आप, एजेंसी वाला क्या करते हैं, एक महीना का पैसा दिए, वो आपको दिखा देगा कि हमको बैंक में आ गया, मतलब या कैश आप पैसा दे दिए, लेकिन दूसरा महीना को वो ड्यू दे देगा, मतलब क्या बकाया है जो आप दीजिएगा, जब दीजिएगा उसको भी पेड कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट उस दिन। बात समझिए, आप अपने आप को गाड़ी वाला मत समझिए, आप अपने आप को एजेंसी वाला समझिए, समझे, उसी हिसाब से वो अलॉटमेंट पैसा नहीं मिला, तो आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू है, बकाया हुआ, जब मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमको मिल गया। देख लीजिए आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ रहे बात, आपको ड्यू है इसलिए मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डाल देंगे हम, समझे, छः यही फर्स्ट आपको, देखिए आपको इतना समझे, 6 एंट्री है, इसको 8 एंट्री भी बोल बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक में दे दिए हैं, आप चाहिएगा तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों अलग होगा, वो आप इतना समझिए ना, आपको जब जैसा जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब समझाएंगे, सॉरी आप दिमाग मत लीजिए। देखिए अब आपको क्या कर लिया, ये अब हो गया, देखिए अब शेयर अलॉटमेंट पर आ जाइए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना का देख लीजिए आपको, 4 रुपये से मिलेगा, तो 12 चौके 48,000 रुपये आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, समझे, आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर देखिए वही पैसा हमको ड्यू इस बार दिखा दिए कि बकाया है, जब मिलेगा तो हम इसको बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझिए बात आपको। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी वही 4 रुपये दर से मिलेगा आपको 48,000 रुपये, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू दिखा देंगे हम, ड्यू ऐसे दिखा देंगे मतलब बकाया है, जब मिलेगा आपको, मिल गया तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर लिख दीजिएगा यहाँ पे शेयर, समझे, ठीक, इसको जोड़िएगा 2,40,000 रुपये आ जाएगा, 24,000 इस पर ले लिए हम, फिर अलॉटमेंट पे 48,000 रुपये ले लिए, फिर हम आपको इक्विटी पे 48,000 रुपये ले लिए, कितना हो गया 2,40,000। देखिए सेकंड नंबर क्या, ए लिमिटेड एक कंपनी है, 1,00,000 कैपिटल है, हटाइए जितना भी कैपिटल हमको उससे क्या लेना, 10,000, देखिए आपको इस पर याद रखिएगा, 10,000 शेयर वो देता है, 10 रुपया एक का शेयर का दाम है 10 रुपया, 4,000 जिसमें से 4,000 देखिए वो तो मान लीजिए बोर्ड कंपनी है, 10,000 शेयर इशू किया, लेकिन हम लोग सिर्फ 4,000 खरीदे तो कितना का गिनेंगे, एंट्री करेंगे 4,000 का ना, जिसमें 1 रुपया एप्लीकेशन पर, 2 रुपया अलॉटमेंट पर, 3 रुपया फर्स्ट पर, और जो बचा वो फाइनल कॉल पर मिलता है, समझे, डिलीवरी सिर्फ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वही एंट्री करेंगे, 1 रुपया मिला आपको 4,000 शेयर इशू अथी के, 4,000 पर 1 रुपया मिला आपको हमको अप्लीकेशन पर, हमारा एसेट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, उसको ट्रांसफर कर दें कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, शेयर अप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000। फिर देखिए आपको अलॉटमेंट में कितना मिला आपको हमको, 2 रुपया शायद ना, 2 रुपया, तो 4 × 2 = 8,000 रुपया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम ड्यू दिखाए यार, लेकिन ड्यू मतलब बकाया हुआ है, समझे, हाँ मिल गया वो पैसा हमको 8,000 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर बींग लिख दीजिएगा, छूट गया है, समझे। फिर देखिए आपको शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो गया आपको, कितना दिखाएंगे कि नहीं मिला आपको, हम आपको 3 रुपये दर्ज दे रहा है ना, तो 4 × 12,000 रुपया हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा 12,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो पैसा मिल गया आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 12,000 रुपया हो जाएगा। फाइनल कॉल में बचा हुआ पैसा देखिए 1 रुपया इस पर अप्लीकेशन पर मिल गया आपको, उसके बाद
2 रुपया अलॉटमेंट पे, 3 रुपया आपको फर्स्ट कॉल पर, 3 दो 5 1 6, तो बचा कितना 4 रुपया ना। एक शेयर का दाम था 10 रुपया, जिसमें से 1 रुपया एप्लीकेशन पर ले लिया, 2 रुपया आपको अलॉटमेंट पर ले लिया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर ले लिया, तो बचा कितना आपको 4 रुपया आपको बचा। तो 4 रुपया, तो 4,000 शेयर है गुना 4, मतलब 16,000 रुपया आपको शेयर फाइनल कॉल इकॉन ड्यू दिखा देंगे। अब मिल जाएगा आपको यहाँ पे अंतिम एंट्री, देखिए 8 को एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल इकॉन, समझिए बात। एक दो बार जो एंट्री हम आपको ये वाला बताए थे ना, ये वाला आप दिमाग में रख लीजिएगा, तो आपको सब हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। और ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान है, तो हम तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे हैं इसलिए। 3 नंबर में देखिए क्या है, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ मोहन लाल लिमिटेड है 2 लाख का, 20,000 इक्विटी शेयर दिया जिसमें 10 एक शेयर का दाम है, आउट ऑफ दीज 12,000, 20,000 में से 12,000 सिर्फ मतलब समझिए बिका, समझिए इसे बिका, 2 रुपया अप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, चलिए 4 2 6 4 10 रुपया तो हो ही गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिखाते हैं आपको फाइनल कॉल भी बोलता है क्या, नहीं, 3 नंबर में बोलता है, देख लीजिए आपको बैंक अकाउंट डेबिट, चलिए 12,000 शेयर हमको बिकाना है, मतलब समझिए आपको लिया आदमी से 12,000 शेयर में, आपको 12,000 शेयर में आपको 2 रुपया करके दिया, फिर 4 रुपया दिया, फिर 4 रुपया दिया, 10 रुपया हो गया, एक शेयर का दाम था 10 रुपया आपको बैंक 12 दुना 24,000 रुपया आपको इक्विटी अप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन का 24,000 रुपया। अब हम दिखाएंगे ड्यू है, इक्विटी शेयर अप्लीकेशन अकाउंट और ट्रांसफर होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। देखिए हर जो है ना नाम बदल जाता है, बाकी सब कुछ एक ही जैसा है, अप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट की जगह फाइनल कॉल हो जाएगा, फर्स्ट कॉल हो जाएगा, बस उतना ही। आप सिर्फ एक बार वो वाला देख लीजिएगा आराम से, दिमाग स्थिर करके उसके बाद बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, और मिला लीजिएगा इससे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू, ये हमारा बकाया है, मिल गया वो पैसा कितना 4 रुपये की दर से 12 चौके 48,000 रुपया हो जाएगा, 4 रुपये दर्ज 12 चौके 48,000 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर हमारा बढ़ जाएंगे किसी से भरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। फिर देखिए आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000 रुपया, बींग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, वो हमको मिल गया 48,000 रुपया, क्या मिल गया ना 48,000 रुपया, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको 6 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको हम कैसे बनाया जाता बता दिया आपको, हम सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, समझे, इसलिए स्पीड में जा रहे हैं, समझिए ना बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट मिल गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर बताइए देते हैं आपको, एक कंपनी है जिस अप्लीकेशन अब 1,006% प्रीफ्रेंस शेयर, समझे, दो शेयर दो तरह का शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है, इसका नाम ही है 6% प्रेफरेंस शेयर, आप 100 रुपीज़ इच पेएबल एज फॉलो, 20% ऑन अप्लीकेशन, 30% अलॉटमेंट, 50% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए 100 रुपया था, समझे, 100 रुपये था, 100 रुपये का 20%, 20 रुपया, 100 रुपये का 30%, 30 रुपया, 100 रुपये का 50%, 50 रुपया, 20 30 50, समझे बात इसका, देख लीजिए अप्लीकेशन पे मिला हमको एक शेयर का दाम था 20 रुपया, अलॉटमेंट पे इतना, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इतना मिला हमको, समझे, ये दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात, देखिए यहाँ पढ़िए, ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, देख लीजिए, एंड फुल्ली पेड, ये नहीं था इंस्टॉलमेंट में, ऐसा ऐसा होता है गाड़ी खरीदने जाते हैं तो कोई कोई जो है ऐसा रहता है पैसा वाला, जो मतलब पूरा पैसा दे देता है एक ही बार में, तो वही बात है यहाँ पे है कि ये इतना इतना मिला, लेकिन बोला क्या आज हम क्यों महीना महीना करेंगे भाई, एक ही बार में दे देते हैं, बोला कोई दिक्कत नहीं भाई दे दीजिए आपको, और इसका अच्छा है ना बात, क्या एक ही बार में पैसा हमको मिल गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फुल्ली पेड, आप बोला कैश बुक भी निकालने के लिए इसमें बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 6% नाम ही है उसका 6% इक्विटी शेयर था, ये प्रेफरेंस शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर अप्लीकेशन अकाउंट कितना 20,000 रुपया टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हमको प्राप्त हुआ, वो हम आपको ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल अकाउंट में। उसी तरीका से देखिए आपको शॉर्ट में बनाए, देखिए 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 6% फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट टू 6% आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट,
आप बोलेगा कि हम इस तरीका से क्यों नहीं बनाए इसको, बोल भी सकते हैं ना तीन ही ट्रिक। देखिए इसमें क्या रहता है कि पहला पैसा दिए लेकिन दूसरा पैसा हमको दिखाना पड़ता है अकाउंट में, एजेंसी में अल्लाह आपको समझिए, गाड़ी लेने आए कि दूसरा महीना तीसरा महीना को भी दिखाना पड़ता है कि नहीं दिया। कोई कोई आदमी रहता है बोलता है क्या हमारे पास पैसा है तो दो महीना के लिए ही लीजिए इस बार, समझे, तो वो भी उस टाइप का रहता है, तो उस टाइप से हमको दिखाना पड़ता है। तो कंपनी अपने आपको एजेंसी मानी है, तो एजेंसी वाला का क्या होता है कि पहला बार तो आप दे दिए 24,000 रुपये, इसमें समझिए थोड़ा, लेकिन दूसरा बार आप दीजिएगा तो, तीसरा बार आप दीजिएगा, चौथा बार आप दीजिएगा, दिए नहीं तो हमको दिखाना पड़ता है कि आप दीजिएगा, दीजिएगा को बोला जाता है डिड्यू, मतलब बकाया है। तो इस हिसाब से हम बनाते हैं, और जब मिलता है हम अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, क्या बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, आपको एक ही दिन आप पूरा पैसा दे दिए, तो हम क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है ना उसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आराम से हम तीन एंट्री में, पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री में हम इसको ख़त्म कर दिए। बात समझिए, बात समझिए, अलॉटमेंट पे आपको 30,000 मिल जाएगा, अप्लीकेशन पे 20,000 रुपया, फर्स्ट टाइम फाइनल कर पर 50,000 रुपये मिल जाएगा, समझे। एक शेयर का दाम है 100 रुपया, इसमें 20, एक रुपया, एक का दाम है 20 रुपया, देख लीजिए अप्लीकेशन एक का दाम है 20 रुपया, ऐसा ऐसा 100 है तो आपको 20,000, ऐसा ऐसा 30,000, 50,000 हो गया 1,00,000 रुपया, 1,00,000 का शेयर था, 1,00,000 रुपया आ गया मेरे पास एक ही बार में आ गया। बात समझिए, इसमें इंस्टॉलमेंट में दे रहा था उसमें एक ही बार में दे दिया। आपको बोला कैश बुक भी बनाइए, शायद बोल रहा है, शायद की शायद हम बोल ही रहा है, आप क्या कर दीजिएगा, कैश बुक भी बोल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये ले आएंगे, क्या कैश बुक बनाएंगे हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दिया 6% प्रिफ्रेंस शेयर, अब हम आधा आधा लिखते हैं, पूरा लिखिए प्रिफ्रेंस शेयर अप्लीकेशन अकाउंट, समझे, 1,000 शेयर था, एक का था दाम था 20 रुपया, तो आपको हो जाएगा 20,000 रुपया हमारे कैश बुक में बढ़ गया, आ गया, समझिए बात, एसेट हमारा बढ़ गया। फिर देखिए दूसरा दिन में 6% प्रिफ्रेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,000 शेयर था, एक का दाम था 30 रुपया, तो 30,000 रुपया हमारा इसके थ्रू बढ़ जाएगा। 6% प्रिफ्रेंस शेयर फर्स्ट एंड अब फाइनल कॉल, एक का दाम था 1,000 रुपया, ऐसा ऐसा 50, तो 50,000 रुपया हो जाएगा, जोड़िएगा इधर तो 1,00,000 रुपया आएगा, 1,00,000 रुपया इधर लीजिए, बाय बैलेंस जा सीडी कितना से 1,00,000 रुपया। बात समझे, ये आपको कैश बुक बन जाएगा, आराम से बन जाएगा कैश बुक, आराम से बनाना आता है कैश बुक, हमारे सेट भर के डेबिट कर दिए, समझे, उतना मत पेटी मत करिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा।